हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पी आंसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्रॉप साइंस इस सब्जेक्ट का स्टेट बोर्ड क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्रॉप साइंस इस सब्जेक्ट का इंडेक्स कोड है B4 और ये सब्जेक्ट 200 मार्क्स के लिए बायफोकल सब्जेक्ट है। अब इस 200 मार्क्स का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो देखिए, इस क्रॉप साइंस में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड ऐसे दो पेपर है। यहाँ पे पेपर फर्स्ट जहाँ 60 मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए और 40 मार्क्स थ्योरी एग्जाम के लिए, उसी प्रकार से पेपर सेकंड में भी 60 मार्क्स प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए और 40 मार्क्स थ्योरी एग्जाम के लिए। इसका मतलब क्रॉप साइंस सब्जेक्ट्स पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों पेपर्स मिला के 200 मार्क्स के लिए। अगर प्रैक्टिकल देखा जाए आउट ऑफ 200 मार्क्स, तो यहाँ पे 60 मार्क्स और यहाँ पे 60 मार्क्स, मतलब 120 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन रहेगा दो पेपर का। सिमिलरली 80 मार्क्स का थ्योरी का एग्जाम रहेगा दो पेपर का। पेपर फर्स्ट 40 मार्क्स का थ्योरी का एग्जाम, जिसके लिए 2 आवर्स अलॉट किए जाते हैं, 2 घंटे हमें मिलते हैं। उसी प्रकार से पेपर सेकंड भी 40 मार्क्स के लिए है थ्योरी एग्जाम, उसके लिए भी हमें 2 आवर्स यहाँ पे अलॉट किए जाते हैं, दिए जाते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों भी पेपर सेपरेट डे पे रहते हैं। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपको जो सर क्रॉप साइंस पढ़ाते हैं, वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए इंटरनल एग्जामिनर रहते हैं और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर बोर्ड की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं। तो अब ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों पेपर के लिए स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट सेम है। सिर्फ फर्क इतना है, पेपर फर्स्ट में हमें खरीफ क्रॉप का यहाँ पे स्टडी करना है और पेपर सेकंड में हमें रबी क्रॉप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब पेपर फर्स्ट ये कंप्लीटली खरीफ क्रॉप के लिए है और पेपर सेकंड कंप्लीटली रबी क्रॉप के लिए है। वहां पे भी क्रॉप प्रोडक्शन और एग्रो प्रोडक्शन एग्रोनॉमी, ऐसे दो बीच उसमें पार्ट्स आते हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में भी। सिर्फ यहाँ पे फर्क इतना है कि पेपर फर्स्ट में आपको खरीफ जो क्रॉप है उसके बारे में पूछे जाएंगे, जो 5 टाइप्स के क्रॉप्स हमें दिए गए हैं पेपर फर्स्ट में, और उसी प्रकार से पेपर सेकंड में भी 5 टाइप्स के क्रॉप्स हमें दिए गए हैं, वो रबी टाइप के पूरे क्रॉप्स है। मतलब पेपर फर्स्ट प्योरली फॉर खरीफ क्रॉप एंड पेपर सेकंड इज प्योरली फॉर रबी क्रॉप, और दोनों का स्टेट बोर्ड क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट सेम है। लुक हियर, यहां पे जो मैंने फॉर्मेट आपके सामने रखा है, ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों पेपर के लिए सेम है। इसका मैक्सिमम मार्क्स 40 है, कंपलसरी मार्क्स 40 है और इसे टाइम 2 आवर हमें अलॉट किया जाता है, 2 घंटे में हमें 40 मार्क्स का पेपर यहाँ पे सॉल्व करना है। देखिए, इस 40 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में टोटल 5 क्वेश्चंस रहते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 8 मार्क्स, 8 × 5, मतलब ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा। ईच क्वेश्चन कैरी 8 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 1 8 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 8 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 3 8 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 4 8 मार्क्स एंड क्वेश्चन नंबर 5 8 मार्क्स, और बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे है क्वेश्चन सॉल्व करते समय। लुक हियर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये 2 सब क्वेश्चन में डिवाइड किया गया है। सब क्वेश्चन ए जो है फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, या ये 6 मार्क्स के लिए। टोटल यहाँ पे हमें 1 मार्क के 6 ब्लैंक्स दिए जाते हैं जिसे हमें फिल करना है। 1 मार्क के ए बी सी डी ई एफ, ऐसे 6 हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाते हैं। फिर वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 में जो बी है, ये सब क्वेश्चन बी है, डिफाइन एनी 2, यहाँ टोटल हमें 3 टर्म्स जिसे हमें डिफाइन करना रहता है, ऐसे 3 टर्म्स हमें दिए रहते हैं, उनमें से हमें 2 अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना, 1 मार्क के 3 यहाँ पे है और उसमें से हमें 2 अटेम्प्ट करना है। देखिए, अगर देखा जाए तो ये कंपलसरी 6 मार्क्स और विथ ऑप्शंस भी 6 मार्क्स के लिए है। ये कंपलसरी 2 मार्क्स के लिए है, लेकिन विथ ऑप्शंस अगर देखा जाए तो ये 3 मार्क्स के लिए, क्योंकि 1 मार्क के यहाँ पे 3 क्वेश्चंस है। ये 3 मार्क्स के लिए, देखिए विथ ऑप्शंस है, ये कंपलसरी और विथ ऑप्शन 6 मार्क्स के लिए है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें राइट शॉर्ट नोट्स, इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे हमें सिर्फ 4 अटेम्प्ट करने हैं। टोटल हमारे पास 6 सब क्वेश्चंस रहेंगे, ए बी सी डी ई एफ, चॉइस है मतलब हमारे पास। अब ये जो 6 सब क्वेश्चंस हैं, इनमें से किसी 4 टर्म का, 4 टर्म के ऊपर हमें, या फिर 4 टर्म का हमें शॉर्ट नोट्स यहाँ पे लिखना है। तो ईच क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स, इसमें से सिर्फ हमें 4 ही अटेम्प्ट करने हैं।
अगर वैसे देखा जाए तो यहां पे टोटल हमें 6 सब क्वेश्चंस दिए हैं, इसका मतलब विथ ऑप्शंस ये जो क्वेश्चन है ये 12 मार्क्स के लिए रहेगा, कंपलसरी 8 मार्क्स के लिए है और विथ ऑप्शन से 12 मार्क्स के लिए है। ये टोटल अगर हम सम लेते हैं 2 मार्क्स की, ये 6 क्वेश्चंस है, 6 × 2 = 12। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये अटेम्प्ट एनी 4, इसी प्रकार का क्वेश्चन जैसे शॉर्ट नोट्स है, अटेम्प्ट एनी 4 वाला क्वेश्चन है। यहां पे भी टोटल हमें 6 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, इन 6 क्वेश्चन में से हमें 4 क्वेश्चंस यहां पे अटेम्प्ट करने हैं, 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, मतलब 2 यहां पे हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए गए। ये कंपलसरी 8 मार्क्स के लिए है और विथ ऑप्शंस देखिए, ध्यान दीजिए, ये 12 मार्क्स के लिए है। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पे कैपिटल ए और कैपिटल बी ऐसे 2 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं और इसी क्वेश्चन नंबर 4 को और में और एक क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। देखिए यहां पे बहुत बड़ा चॉइस है हमारे पास, या तो आप क्वेश्चन नंबर 4 ए बी अटेम्प्ट कर सकते हो या फिर इसे जो और में ये क्वेश्चन यहां पे दिया गया ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर क्वेश्चन नंबर 4 ए देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 ए और क्वेश्चन नंबर 4 बी, क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 ए में है, सप्लाई इंफॉर्मेशन अबाउट क्रॉप ऑन फॉलोइंग पॉइंट्स, यहां पे टोटल हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, इन 3 पॉइंट में से किसी भी 2 पॉइंट को लेके जो क्रॉप हमें, यहां पे देखिए मैंने यहां पे ब्लैंक स्पेस रखा है तो यहां पे क्रॉप आपको दिया जाएगा। पेपर फर्स्ट के लिए खरीफ क्रॉप रहेगा और पेपर सेकंड के लिए रबी क्रॉप रहेगा, ठीक है ना। तो यहां पे आपको कोई पर्टिकुलर क्रॉप दिया जाएगा तो उस क्रॉप के लिए हमें 2-2 मार्क्स के 3 पॉइंट्स यहां पे दिए रहेंगे, उसमें से किसी 2 पॉइंट्स के लेके हमें यहां पे इंफॉर्मेशन सप्लाई करना है। अब ये क्वेश्चन कंपलसरी 4 मार्क्स के लिए है और विथ ऑप्शंस देखा जाए तो 2+2+2, मतलब ये विथ ऑप्शन 6 मार्क्स के लिए रहेगा, ओके। उसी प्रकार से जैसा क्वेश्चन 4 ए है उसी प्रकार का क्वेश्चन 4 बी है, सप्लाई इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रॉप ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स एनी 2, यहां पे भी हमें 3 पॉइंट्स दिए रहेंगे, इसमें से किसी 2 पॉइंट को लेके यहां पे जो हमें क्रॉप दिया है उसके लिए इंफॉर्मेशन हमें सप्लाई करना है, इंफॉर्मेशन लिखना है। ये भी कंपलसरी 4 मार्क्स के लिए और विथ ऑप्शन 6 मार्क्स के लिए, देखिए ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन 4 ए बी ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना चाहते तो इसको और में यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन ये टेबुलर इंफॉर्मेशन टाइप क्वेश्चन है, मतलब आपको एक टेबल दिया जाएगा, उस टेबल में गिव इंफॉर्मेशन इन द टेबुलर फॉर्म ऑन द फॉलोइंग क्रॉप, जिस प्रकार से यहां पे क्रॉप उसी प्रकार से यहां पे भी क्रॉप दिया रहेगा, पेपर सेकंड में रबी क्रॉप रहेगा, पेपर फर्स्ट के लिए खरीफ क्रॉप रहेगा। और यहां पे देखिए नोट दिया गया है ब्रैकेट में, ईच करेक्ट आंसर कैरीज हाफ मार्क, मतलब टोटल आपको यहां पे 16 आंसर्स लिखने पड़ेंगे। टेबल रहेगा जिस टेबल में आपको 4 क्रॉप्स दिए रहेंगे और उनके ऊपर साइड में पॉइंट्स दिए रहेंगे, उसका जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, वो टेबल हमें कंप्लीट करना है। उस टेबल में टोटल 16 स्पेसेस हो गए, ओके। ईच करेक्ट आंसर कैरीज हाफ मार्क, हर करेक्ट आंसर के लिए हाफ मार्क्स, तो 16 का हाफ मतलब 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। यहां पे ए बी ऐसे दो सब क्वेश्चंस 4-4 मार्क्स के लिए दिए गए हैं, लेकिन देखिए ध्यान दीजिए, लेकिन यहां पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया गया है, ये कंपलसरी 8 मार्क्स के लिए और विथ ऑप्शंस भी ये बनेगा 8 मार्क्स का, ठीक है ना। ये कंपलसरी 8 मार्क्स के लिए, विथ ऑप्शंस 8 मार्क्स के लिए, जैसे कंपलसरी 6 और विथ ऑप्शन 6 मार्क्स के लिए था उसी प्रकार से कंपलसरी 8 और विथ ऑप्शन 8। देखिए मैं एक बात यहां पे आपको बोलना भूल गया, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो क्वेश्चन है आपको इसके लिए एमसीक्यू नहीं दे रहेंगे ऑब्जेक्टिव, हमें ब्लैंक स्पेसेस जो उसे डायरेक्टली हमें फिल करना है, ठीक है। जैसे आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वहां पे दिए रहते हैं, लेकिन यहां पे उस प्रकार से नहीं, यहां पे आपको सिर्फ ब्लैंक स्पेसेस दिए उसे हमें फिल करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो है, राइट इंफॉर्मेशन ऑन क्रॉप, यहां पे भी क्रॉप रहेगा, ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को लेके हमें इंफॉर्मेशन यहां पे लिखना है, इन पॉइंट्स को। अब यहां पे टोटल 6 पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें से किसी 4 पॉइंट्स को लेके हमें लिखना है, कोई भी 4 पॉइंट्स आप यहां पे ले सकते हो, आउट ऑफ दिस 6 पॉइंट्स किसी भी 4 पॉइंट्स को सिलेक्ट करके आप लिख सकते हो। ये कंपलसरी 8 मार्क्स के लिए, अगर विथ ऑप्शंस देखा जाए तो 12 मार्क्स के लिए बनेगा, ठीक है ना। क्यों 12 मार्क्स? बिकॉज यहां पे 6 सब क्वेश्चंस है, 6 × 2 मतलब 12 मार्क्स। तो देखिए ये जो कंपलसरी 40 मार्क्स का पेपर है, ये अगर विथ ऑप्शंस हम काउंट करते हैं तो कितने मार्क्स का बनेगा, देखिए
ये 12 और ये 12, देखिए 12 कहां कहां तक, 1 2, ये 3 टाइम्स 12 है, 12 इंटू 3 36, और ये भी 12 है, मतलब 48 हुआ, ठीक है ना। देखिए 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स और 4 टाइम्स 12, 12 इंटू 4 इट विल बी 48, ठीक है। 48 और प्लस यहां का 8, 48 प्लस 8 इट विल बी 56, ठीक है। 56 प्लस 6 इट विल बी 62 प्लस 3 65। मतलब ये जो कंपलसरी 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, ये विथ ऑप्शंस 65 के लिए हमें दिख रहा है। देखिए यहां पे 12, ये प्लस 12, ये प्लस 12 36, ये प्लस 12 ये होगा यहां पे 48 प्लस 8 इट विल बी 56 प्लस 6 इट विल बी 62 प्लस 3 इट विल बी 65। मतलब ये 40 मार्क्स का जो कंपलसरी पेपर है, 40 मार्क्स का, ये विथ ऑप्शंस रहता है 65 मार्क्स के लिए। मतलब 65 मार्क्स ये जो है, इसमें से देखिए यहां पे हमें 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। मतलब मैक्सिमम यहां पे 40 मार्क्स रहेंगे कंपलसरी, और विथ ऑप्शन से 65 मार्क्स का रहेगा। आउट ऑफ 65 हमें 40 मार्क्स का पेपर यहां पे सॉल्व करना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों पेपर के लिए रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट आप आपके आंखों के सामने रखते हो, क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट ठीक तरह से समझ लेते हो, तो निश्चित रूप से आपको आउट ऑफ 40 मार्क्स मिलेंगे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों भी पेपर में। 40-40 मार्क्स आप इजीली ले सकते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ लास्ट का जो एक महीना रहता है वहीं उसी टाइम पढ़ाई करते हैं क्रॉप साइंस का, पूरे साल भर क्रॉप साइंस का पढ़ाई नहीं करते हैं। देखिए क्रॉप साइंस में सिर्फ दो ही प्रकार के आपको क्रॉप का स्टडी करना है, खरीफ और दूसरा रबी, पेपर फर्स्ट खरीफ के लिए, पेपर सेकंड रबी के लिए। और बहुत ही ईजी क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट यहाँ पे है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट। और देखिए इसका जो यहाँ पे जो हमें सिलेबस है क्रॉप साइंस का, इस सिलेबस में जो पॉइंट्स है, जो क्रॉप्स है, ये कितने कितने मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके लिए भी हमने बहुत ही अच्छी तरह से एक वीडियो प्रिपेयर करके इसी चैनल पे अपलोड किया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको सिलेबस वाइज वहां पे हमने जो डिस्कशन किया है उसका वीडियो का लिंक आपको मिलेगा, जहां हमने चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देखा है, यूनिट वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देखा है, क्रॉप वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देखा है। मतलब शॉर्ट नोट्स जो आपको पूछे जाता है, दो मार्क्स के लिए कौन से क्रॉप पूछे जाएंगे, फोर मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए कौन से क्रॉप पूछे जाएंगे, एट मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए कौन से क्रॉप पूछे जाएंगे, इसे भी हमने एक स्पेशल वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। उस वीडियो का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो इस YouTube चैनल पे क्लास 10th 11th 12th तीनों भी क्लासेस के मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। हम इस YouTube चैनल पे क्लास 12th का स्टेट बोर्ड एग्जाम और MST सीट एग्जाम दोनों एग्जामिनेशन का मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर वहां पे हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स चारों सब्जेक्ट के डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों भी प्रकार के टेस्ट कंडक्ट करते हैं। आपके क्रॉप साइंस के वीडियो लेक्चर्स, गेस्ट वीडियो लेक्चर्स भी आपको इस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल मिलेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इन वीडियो को देखे बाद अवश्य आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी आपके फ्रेंड्स अभी क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में क्रॉप साइंस ये सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हैं, उन सभी के साथ इन वीडियोस को अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि इस प्रकार का इंफॉर्मेशन आपको कहीं और नहीं मिलेगा। मैंने बहुत ही इसे मतलब कलेक्टिवली इंफॉर्मेशन आपके सामने रखा है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज इन वीडियो को अवश्य आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखे बाद लाइक जरूर कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड कीजिए, आपको वीडियो कैसा लगता है। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिए, आपके उस रिक्वायरमेंट के अनुसार भी मैं आपके लिए वीडियो तैयार करूंगा और इस YouTube चैनल पे निश्चित रूप से अपलोड करूंगा। लेकिन इसके लिए आपके कमेंट्स आना बहुत जरूरी है। ये भी वीडियो जिन बच्चों ने मुझे कमेंट्स दिया था, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे क्रॉप साइंस का जो सिलेबस है उसका चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, साथ में जो पेपर फॉर्मेट है स्टेट बोर्ड क्वेश्चन
पेपर फॉर्मेट है उस वो पेपर फॉर्मेट डिस्कस करना, इसके बारे में जो कमेंट्स आए थे उन्हीं कमेंट्स को ध्यान में रख के मैंने ये क्रॉप साइंस का पेपर पैटर्न यहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास किया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, एक अच्छी सी कमेंट मुझे जरूर सेंड कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है और टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों का भी लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, उस लिंक को यूज करके मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरा टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलते रहेंगे। और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, क्योंकि हमेशा जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेगा ये आप तक पहुंचेगा। यहां पे भले ही हम क्लास 10th 11th 12th तीनों क्लासेस का मैथ्स के लेक्चर्स यहां पे लेते हैं, लेकिन जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो भी, जो रिलेटेड न्यूज है वो भी, जो रिलेटेड अपडेट्स है वो भी आप तक पहुंचाने का हमारा 100% यहां पे शत प्रतिशत हमारा प्रयास रहता है। तो मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। अब इसी प्रकार के यूजफुल वीडियो के साथ हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बिफोर दैट एक बात मैं आपको कहना भूल गया, बताना भूल गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स चारों सब्जेक्ट्स के जो स्टेट बोर्ड ने हमें प्रैक्टिकल बुक प्रोवाइड किए, उन सभी प्रैक्टिकल बुक के सॉल्यूशंस के वीडियो लेक्चर्स, उसके वीडियो जो है उनका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। आप नीचे वीडियो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाके जरूर उस लिंक को यूज कीजिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स के आपके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स के आपके जो क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट है और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स के जो प्रैक्टिकल बुक है, इन सभी वीडियो का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए प्रोवाइड किया है, ठीक है। अभी इसी प्रकार के यूजफुल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।